फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चंपानी की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा ब्लॉग क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, देखें मेरे ब्लॉग पे और बने रहें ऐसे, ठीक है। आज मौसम बहुत ठंडा है, बारिश का जैसा मौसम हो रहा है बाहर। नहाने का भी मन नहीं कर रहा है। गाइस, नहा के आ गई हूँ मैं। और ये देखो, इतना सामान संभाल दिया है। अब ये मंदिर सेटलमेंट करना है। इस मंदिर को मतलब वहाँ से फिक्स करती हूँ, क्योंकि इधर को पैर आ रहे हैं ना ये बिस्तर में, तो पैरों के साइड मंदिर सही नहीं लगता ना, इसलिए मंदिर उधर को खिसका देती हूँ। और कपड़े देखो अभी भी इतने पड़े हैं। अभी यह सब सही करना, पहले बच्चे के लिए खाना वगैरह बना लूँ, नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। उसके पापा नहाने गए हैं, उठ गए। और आज मौसम बहुत ठंडा है, बारिश होने का मौसम हो रहा है कि बारिश हो सकती है। तो मैंने अभी गांव में फ़ोन किया, मैंने कहा क्या पता वहाँ बर्फ़ गिर रही हो। साथ फ़ोन किया तो कह रही कि सासू जी कह रही थी कि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है आज। तो अभी बाहर का मौसम अभी दिखाऊंगी, क्योंकि काम बहुत पड़ा है ना मेरा। और अब मैं पहले जल्दी से मंदिर उधर सेटल कर देती हूँ, वहाँ पे वो अलमारी मैंने खाली कर दी, नीचे वाली अलमारी खाली करनी है, ये भी करनी है। कमरे में जगह नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कमरा ना चेंज करूँगी जहाँ जगह नहीं हो रही है। पैर में लग गई मेरे वो अलमारी से, दो बार तो पैर में लग चुकी सुबह सुबह ना के आई ठंड में, वैसे ही ठंड हो रही है। और पैर में आराम देनी लग गई, इतनी दर्द हुई है। आराम कमरा चेंज करना पड़ सकता है, हो सकता है कमरा चेंज करें, जगह नहीं हो रही मतलब बेड। अब मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ और बस उधर खाना बनाती हूँ। और उसके बाद वंशु का ट्यूशन हो जाता है, इसका होमवर्क कराना। वंशु हाई कर दो, क्या कर रही हो आप? ये हाई करो। ठंड हो रही है, इसने जॉकेट पहन ली, सबको ठंड हो रही है, आपको भी ठंड हो रही है, मेरे को भी हो रही है। खाओ पापा कर। मैंने यहाँ का मंदिर यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सो रहे थे तो पैर भगवानों की तरफ लग रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था कल शाम को। तो मैंने सास होते वक्त बोल दिया था कि भगवान सॉरी, आज माफ़ कर देना, कल मैं चेंज जरूर कर दूँगी। तो मैंने आज चेंज कर दिया, आज मैंने उनकी जगह यहाँ कर दी, यहाँ इनको कर दिया, यहाँ इनका जगह मैंने मंदिर यहाँ बनवा दिया। और ये मेरे हैं तिजोरी, नज़र मत लगाना। हाँ यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया। और तो भाई अभी तो कमरा और भी समेटना और बाकी है, अब लोग को दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी कपड़े ऐसे पड़े हैं कि कभी ट्यूशन कभी बच्चों के साथ जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता है। ओए रिमोट क्यों खा रहा है, साठो। तो इनके साथ बच्चों के साथ टाइम नहीं निकलता, बाकी थोड़े देर इंस्टाग्राम में लग जाती हूँ तो वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता है। आज मैंने चुटिया बना रखी है, कैसी लग रही है? जड़ गए सारे बाल, कुत्ते की जैसी पूछ रहेगी ये। बस मन तो करता है यहाँ से काट दो इनको, फिर ऐसे कर दो बेबी कट। तो ट्यूशन से आ गई है, शाम हो गई, अब तो जल्दी कपड़े समेटने हैं मैंने बस। और गाइज मेरा नेट बहुत इशू चल रहा है आजकल, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी नहीं। इंस्टाग्राम पर लाइव चलती थी वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि नेट मेरा पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा। दो दिन से प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर केयर से बात करी वो करता है, वो कहता है कि कल से नहीं होगा, कल से नहीं होगा, पता नहीं। और गाइज कभी कभी मतलब अपने सियाने लोगों से, आज मुझे एक बात ना याद आई, दिमाग में घूम रही, इसलिए आप लोगों से मैं मतलब उस बात को रख रही हूँ आपके सामने। क्योंकि कभी कभी ना अपने सियानों से, सियाने लोगों से, अपने घर के बुजुर्गों से, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मम्मी पापा मतलब सास ससुर, उनसे ना कभी कभी थोड़ा बहुत उनके लिए टाइम निकाल के उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। बहुत ज्ञान की बातें उनसे सीखने को मिलती हैं, वो ज्ञान की बातें किसी किताब में नहीं मिलती, किसी पुस्तक में नहीं मिलती, जो बुजुर्गों से मिलती है। दोस्तों ऐसी कल थोड़ी देर जैसे मैं भाभी जी के साथ बैठी हुई थी, तो भाभी जी ने कहा कि पूरब की तरह मुंह करके हमेशा खाना बनाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखने की बात होती है, तो मुझे लगा आज तक तो आपने बताया नहीं, क्योंकि आज तक मैं बैठी नहीं थी उनके साथ, ऐसी बातें हुई नहीं थी। तो कल उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला, तो मैंने को अब लग रहा है कि हाँ मैं जब पूरब की शायद तरफ ही रोटी बनानी चाहिए, खाना पूरब की तरह मुँह करके बनाना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को, छोटी संस्कृति हमारी, जो भी संस्कृति है, जो भी मतलब ये छोटी जो शुभ अशुभ अच्छा बुरा जो है, ये बुज़ुर्ग लोग ही बता सकते हैं हमको।
ये कोई किसी किताब में नहीं लिखा होता है, लेकिन अगर इसको अपने जीवन में लाना है अच्छी बात है ये। लेकिन भाभी जी ने बताया, मेरे को अच्छा लगा, मैं भी वो खाने बनाने के सिस्टम चेंज करूँगी, क्योंकि वो उधर को पूरा पश्चिम उत्तर की दिशा में हो जा रहा है, इसलिए मैं भी वो चेंज करूँगी। तो बट अच्छा लगा मेरे को ये। कोई आ गया था ना, इसलिए कट कर दिया था। तो गाइस कभी कभी अपने सयानों से भी बात किया करो, उनसे बैठो, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, ज्ञान की बातें सीखो। और कुछ नहीं है, और सब ऐसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। PhD कर रखी है लोगों ने, लेकिन उनके पास इतना दिमाग नहीं होगा जितना दिमाग हमारे बुजुर्गों के पास रहता है। तो उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें लेनी चाहिए हम लोगों को। और मेन बात क्या है बताऊँ, आज मैं बहुत नाराज़ हूँ, मेरा जन्मदिन है और मेरे को भी पता नहीं है मेरा हैप्पी बर्थडे है। आज जन्मदिन है मेरा, 3 फरवरी मेरा जन्मदिन है, 3 फरवरी 1997। तो गाइस मेरे को भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने फेसबुक खोला, फेसबुक में हैप्पी बर्थडे टू यू कई लोगों ने मेरे को विश किया हुआ है, बहुत से लोगों ने। तो मैं देखा, और उसके बाद मैंने महीना याद किया कौन सा है ये फरवरी, फिर मैंने तारीख याद की कितनी है ये 3। मैंने कहा ये आज तक अभी अपना बर्थडे बनाया नहीं, पहले ऐसा बर्थडे चलता कहाँ था, अब तो ये फैशन सा हो गया एक बर्थडे वो करना, लेकिन मैंने आज तक अभी अपना बर्थडे नहीं बनाया। और आज पता ही नहीं है मेरा जन्मदिन है करके, मेरे को दिन में पता चला, जब पता चला तो मैंने बहुत लोगों को और थैंक्स करके उनको सबको मैसेज भी किया, बहुत लोगों को नहीं भी कर पाई हूँ, बट क्योंकि इतना नेट मेरा चल नहीं रहा, नेट इशू चल रहा, मेरे को बहुत गुस्सा हो रहा है। और मेरा बर्थडे है, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि केक पार्टी कहाँ है। भैया हमें तो यही पता नहीं है हमारा बर्थडे का, भाई अब केक पार्टी कहाँ से बनाए। अब 28 फरवरी को इसका बर्थडे आने वाला है मेरी बाबू का। हमसे आपका बर्थडे कब आ रहा है, आपका बर्थडे कब है? अच्छा जी, प्यार से बोलो, 28 फरवरी को है। चिकन खा रही है रो रो के दुकान के सारे, वहाँ ट्यूशन से आते वक्त दुकान के सारे रुक जाती है और वहाँ रोने लग जाती है कि मेरे को दिला सेंटा क्लॉज, दिला, फिर दिलाना पड़ता है, क्या करें, बेइज्जती कर देते हैं बच्चे। तो लोग सोचेंगे नहीं अपने बच्चे को दिलाती नहीं है, अब वो उसको क्या पता है क्या मांग रही है, बाल झड़ के कुत्ते की पूंछ हो गई है, यहाँ से कट करके इनको बेबी कट बना दिया जाए कैसा रहेगा। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरा सर में बहुत दर्द हो रही है, आजकल रात को सोती हूँ तो सपने हो जाते हैं, कभी सांप दिखाई देता है, कभी भूतनी दिखाई देती है, कभी किसी का मर्डर दिखाई देता है, अरे राम, बुरे बुरे सपने होते हैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया। और फिर मेरे सर में दर्द हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर आधी रात को उठती हूँ, फिर मैं मालिश करती हूँ। आजकल ना मेरा 2-3-4 दिनों से बहुत परेशान हो रही हूँ ऐसे ही, पता नहीं क्यों बुरे बुरे सपने हो रहे हैं। और फिर सोती हूँ तो नींद ही पूरी नहीं होती है, लगता है कि मैं सोई नहीं होंगी, फिर सुबह की टाइम नींद आ जाती है, फिर सुबह 9 बजे उठती हूँ महारानी की तरह। अगर घर में होती है सास ससुर ऐसे बहू को लठिया देते, बाहर भगा देते, कहते हमारी बहू कैसी सोई है, काम नहीं है, सोई पड़ी है इसको तो बस हैं, शर्म नहीं आती, 9-9 बजे उठ रही है हैं, आजकल बुआरी के तो शर्म है ना, तो सासन हिंगे बन और बुआरी सिरे भितर हैं, शर्म है ना आजकल बुआरी के, 9-9 बजगी धोपरी घाम मारो आधु को दिन हो गो, अरे की करी गो आजकल बुआरी को, यार रंग ढंग छे 9-9 बजे उठनी, 7-7 बजे से जानी, ने काम ने धंध, फिर ले करनी जा मेरे बिडो हरी, सर में दर्द, खुट में दर्द, हाथ में दर्द हैं, हमारे टाइम में तो छुई ने हम उली कभी देखी ने, हम तो बुआर भैया ही ने। जैसे हालत हो जाती है ना, ऐसा होता है ना, अगर घर में रहती तो मेरे में यही हाल होते, क्या करूँ,
बट ऐसे क्या हो रहा, सपने ऐसे हो जाते हैं कि बहुत कोशिश करती हूँ कि आज सुबह जल्दी उठूँगी, और मैं आज सोच रही हूँ जैसे मैं कल सुबह जल्दी उठूँगी, कल सुबह और भी लेट हो जाता है, पता नहीं क्यों उठने का मन नहीं करता, आलस हो जाता है शरीर में, क्योंकि रात भर सपने हो जाते हैं और सपनों में मेरी नींद ही पूरी नहीं होती, फिर सुबह की टाइम सो जाती हूँ तो अच्छी नींद आ जाती है भयंकर वाली, 9 बजे उठती हूँ, ऐसे धूपरी धूप आई रहती है, अगर गर्म होती तो यही कॉमेडी चलती मेरे साथ भी, सास ससुर के साथ होती तो, है ना। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त कर रही हूँ, कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग वो कमेंट बॉक्स में बताना, कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप लोगों को कौन सा मतलब वर्ड अच्छा लगा, कौन सा लफ्ज अच्छा लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, मेन बात यह है कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज, और मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि रात हो चुकी है, रोटी बनानी है, कपड़े संभालने हैं, और कल का ब्लॉग मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस ब्लॉग को जो लोग नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि आगे और लोग भी मेरे से जुड़ सकें, और प्लीज़ सपोर्ट करें माय चैनल को, लव यू बोल दो बेटा, बाय कर दो, लव यू बाय, क्या करना चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है गाइज बाय, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही, लव यू बाय कर दो, ये तो बाय लव यू, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फैंटास्टिक वाले ब्लॉग, एक जबरदस्त ब्लॉग लाने वाली हूँ अगला, और ऐसे ही बने रहें और आगे को शेयर करें प्लीज, लव यू, जल्दी मिलेंगे कल, आज 3 फरवरी है, मेरा हैप्पी बर्थडे है, उससे घंटी बजाती, देखो अभी यहाँ सामान छेड़ती है ना, ये कुछ भी सामान नहीं रखती हैं, मैंने यहाँ मंदिर तो बना दिया, इनके लिए तो कहीं ऊपर बना दो, कुर्सी लगा लगा के वहीं चढ़ जाती हैं, कुर्सी लगाएंगे उसके ऊपर सामान रखेंगे फिर चढ़ जाती हैं, ये अब वहाँ मंदिर में सामान ही नहीं रखेंगी, ये इतना परेशान करती है, सर खा जाती है मेरा, गुस्सा आता है मेरे को बहुत जोर का, इनको देखे कभी बिंदी नहीं रखती माथे में, देखो गायब, अभी लगाई अभी गायब हो जाती है मेरी माथे की बिंदी, नाक में ये नहीं रखा है, नकली पहन रखा है सोने का, इसने उसकी ढबरी सी तोड़ दी, गले में मंगलसूत्र नहीं रखती है, छुपा के रखना पड़ता है, क्या करें, तो गाय ठीक है, मेरी तो ऐसी परेशानी है, बाय।